अपनी छाँव में, यही तो है मौसम, यही तो है मौसम, आओ तुम और हम, बारिश के नगर में गुनगुनाए थोड़ा सा ये देख तार आया है, तुम्हारी पेरी नंटी ग्रैंड मदर बनने वाली है और मैं ग्रैंड फादर, इसलिए आज दुकान बंद। मतलब? हाँ, अपनी सिल्लू, नन्नी नन्नी सिल्लू, उसको बच्चा होने वाला है। सिल्लू नन्ही सी सिल्लू, बच्ची सी सिल्लू, देखती ही देखते क्या हो गई, कल खुद बच्ची थी आज माँ हो गई। हुई नहीं, होने वाली है और मैं नाना ग्रैंडफादर। अभी कल ही की तो बात है, मुझे अच्छी तरह याद है, एक बहती हुई नाक का नाम था सिल्लू, एक लता फादर फ्रॉक का नाम था सिल्लू, चॉकलेट से चिपचिपे हाथों में उसके मेहंदी कब लग गई। नन्ही सी सिल्लू, बच्ची सी सिल्लू, देखते ही देखते क्या हो गई, कल खुद बच्ची थी आज माँ हो गई। हुई नहीं, होने वाली है और मैं नाना ग्रैंडफादर। उसका होमवर्क करवाती थी मैं, उसकी फैंसी ड्रेस बनवाती थी मैं, गुड़ियों का बिहार जाते रचाते खुद डोली चढ़ गई। अंकल बहराम अंकल, लड़कियां होती हैं बड़ी कितनी जल्दी। अरे डिकरी, मेरी बिन्नी डिकरी, लड़कियां नहीं होती बड़ी इतनी जल्दी, अपनी लड़की की हो गई उम्र, बाप को मिलते इसकी देर से खबर। अभी कल ही की तो बात है, मुझे अच्छी तरह याद है। नन्ही सी सिल्लू, बच्ची सी सिल्लू, दैट इम्प, माय नॉटी सिली लिटिल सिल्लू, कल खुद बच्ची थी आज माँ हो गई। ला ला ला। ये तेरे बाप के लिए, कह देना उसे कि पूरे 100 रुपए उधार निकलते हैं उस पर है? इसके नहीं, तमाकू तो मेरी तरफ से, शर्त के 100 रुपए हार गया तेरा बाप, इसकी याद दिलाना। शर्त? जब से हम एक साथ नाली में पखाना करते थे, तब से तुम्हारा बाप मुझसे हर चीज में आगे रहा करता था, पढ़ाई में आगे, स्पोर्ट्स में आगे, लड़कियां पटाने में आगे। शादी करके बाप बनने की बाजी मार ले गया साला, लेकिन नाना बनने की दौड़ में मैंने उससे मात दे ही दी। कह देना उसे चुपचाप 100 रुपए भिजवा दे। अरे अंकल, 100 रुपए तो मैं आपको दिलवाऊंगी, लेकिन इस मामले में आपकी और उनकी बराबरी कैसे की जा सकती है? क्यों नहीं की जा सकती, तू तो अपने बाप को नाना बनने में मदद कर सकती है, सोच ले, अब भी ज्यादा देर नहीं हुई है। अंकल, अगर इसी वक्त जो भी पहला आदमी मेरे सामने आए उसी को बांध छान के इसी वक्त उसे शादी कर लूं, तो भी पापा को नाना बनाने के लिए मुझे कम से कम 9 महीने और 9 दिन तो लगेंगे। यू सी द प्रॉब्लम? नो, आई डोंट वांट टू सी योर प्रॉब्लम। पसीने पसीने हो रही हूं मैं, और मुझे मालूम है तुमने ये सब जानबूझ के किया है, एंड आई हेट यू फॉर डूइंग दिस टू मी। उर्मी डार्लिंग, प्लीज
मशीन तो आखिर मशीन होती है। कोई बॉयफ्रेंड तो नहीं होती ना कि हुकुम हुआ और चल पड़ी। मशीन को रोल्स रॉयस क्यों नहीं कहते? इस खटारे में मुझे बिठाकर अपने खटारे रिश्तेदारों से मिलाने के लिए यहाँ आने का तुम्हारा आइडिया भी उतना ही खटारा है। अगर पापा के एसी मर्सिडीज में आराम से आते तो तुम्हें कांटे चुभते। क्यों? कार बंद पड़ गई। कार होती तब तो बंद पड़ती। ये तो डिब्बा है डिब्बा। उर्मी उर्मी वीरू के साथ तो जो करने जाओ बंटा धार। पिक्चर देखने जाओ तो हाउसफुल, पार्टी शुरू होने से पहले ही लाइट खुल, सेल के लिए जाओ तो सेल का कहीं ना नाम, कार में निकलो तो बीच सड़क में ट्रैफिक जाम। यहाँ कोई गैराज होगा ना आसपास? यहाँ नहीं, गैराज तो शहर के उस पार है, पर आज तो बंद होगा, आज शुक्रवार है। देखा, वीरू के साथ जो करने जाओ बंटा धार। मैं जरा हाथ लगा के देखूं। ऑफ कोर्स, बाय ऑल मींस। कार्बोरेटर। मेरे पापा कहते हैं मैं सबसे अच्छी मैकेनिक हूँ। ऑफ कोर्स, हमारी फैमिली में डेल्को। आई एम सो सॉरी, मेरे लिए आपको इतनी तकलीफ उठानी पड़ रही है। एक्सक्यूज मी, तू उबर क्या कर रहा है? नीचे आ, नीचे। कोई मैनेज वैनेज है कि नहीं? तुझे तो मेरे स्वागत के लिए दरवाजे पर खड़ा होना चाहिए था, ऊपर छत पे नहीं। लेकिन मैं वहाँ आपके स्वागत के लिए नहीं खड़ा था, मतलब इस घर में आपका स्वागत तो है, मतलब मैं आपको नहीं जानता फिर भी आपका स्वागत है। लेकिन मैं वहाँ आपके स्वागत के लिए नहीं खड़ा था, मैं उड़ने की कोशिश कर रहा था। उड़ने की कोशिश कर रहा था? हाँ। शक्ल से तो आदमी लगता है, चिड़िया नहीं। उड़ने की मतलब मुझे ऊंचाई की आदत पड़नी चाहिए ना, बड़े भैया कहते हैं जब तक मुझे ऊंचाई की आदत नहीं होगी मैं उड़ नहीं पाऊंगा, मतलब पापा जैसा पायलट नहीं बन पाऊंगा। तेरा बाप गधा था। लेकिन बड़े भैया तो कहते हैं कि मैं गधा हूँ जो पायलट बनने का सपना देखा करता हूँ। वो क्या है, मुझे ऊंचाई से डर लगता है, इसलिए मैं रोज छत पर चढ़कर उड़ने की प्रैक्टिस किया करता हूँ। चलो कुछ तो करता है, मगर तेरा बाप? तू उसी का बेटा है ना? हाँ, वही घबराए हुए कद्दू जैसा चेहरा। तो कहाँ है तेरा बाप? कोई मदद कर सकता हूं मैं? हा? नहीं, वो तो मिस साहब ने। मिस साहब? जरा स्पैनर देना। ओ, मिस राय, आपने तो पहले ही स्त्री मुक्ति संगठन की सहायता ले ली है, तो फिर मेरे लिए करने लायक कोई काम बचा ही नहीं। अच्छा, वैसे आप चाहे तो एक मदद कर सकते हैं। मेरी योर गुड नेम प्लीज? जयदीप दास गुप्ता। अरे, इस इलाके के कलेक्टर साहब स्वयं आपकी मदद कर रहे हैं और फिर भी हम कहते रहते हैं सरकारी नौकर किसी काम के नहीं। मिस्टर दास गुप्ता। यस। माइसेल्फ वीरू। आई सी। अगर आप उर्मिला को लिफ्ट दे सके तो बड़ी मेहरबानी होगी। दिन भर में पहली बार कोई समझदारी की बात की है तुमने। मेरी फियांसी, ये गर्मी बर्दाश्त नहीं हो रही है उससे। कहाँ जाना है आपको? मेरी आंटी का घर जो है ना, उस टीले के। आपकी मौसी के यहाँ इनका अकेले जाना थोड़ी ठीक होगा। अच्छा, यही होगा, आप इन्हें क्लब छोड़ दीजिए और गाड़ी ठीक हो जाने के बाद आप उन्हें वहां से पिकअप कर लीजिएगा। यही उचित होगा ना कलेक्टर साहब? That's a very good idea. By the way, आपके शहर में सारी लड़कियां ऐसी ही हैं क्या? ऐसी ही मतलब? मतलब मर्दानी? नहीं नहीं, इस राय तो सबसे अलग ही है।
ज्यादातर लड़कियां वही भोली भाली, आंचल में दूध आंखों में पानी, धूप में गुमलाने वाली और दो कदम चलकर थक जाने वाली नाजुक नाजुक अबलाएं हैं। हाँ, लेकिन आपके मुकाबले कोई नहीं। कैप्टन रघुनाथ राय, तो तुम अपने आप को बाप कहलाते हो? हाँ, क्यों भाई, किस हिसाब से तुम बाप बन गए? ऐसा कौन सा तीर मारा है तुमने कि तुम बाप बन गए? बच्चों को ढंग से पाला पोसा है? नहीं। तेरे बच्चों में तमीज है? नहीं। शरीफ आदमी की तरह घर बसाने को वो तैयार हैं? नहीं। आंटी, ये तो आप जाती कर रही हैं। पापा तो बहुत अच्छे पापा हैं। शरब, तू जाकर उड़ने की प्रैक्टिस कर। मैंने राय ने पूछी तेरी। हाँ, तो मैं कहाँ थी? शादी से पहले भटिंडा में और शादी के बाद कभी यहाँ कभी वहाँ। डोंट टॉक रॉट। हाँ, तो मैं कहाँ थी? हाँ, तो मैं कल अग्रवाल के यहाँ गई थी। उसकी पांच बेटियां हैं, पांच, और पांचों की पांचों आज अपने अपनी ससुराल में सुखी हैं, और सब मेरी वजह से। हाँ, लेकिन मैंने तो सुना है आंटी की शीला, वो चौथी वाली, वो तलाक लेने जा रही है। क्या बकता है? कसम से, सब लोग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कौन बोलता है? कहाँ सुना? कैसे सुना? किसने सुना? क्या सुना? यही की शीला का टिक्कू से चक्कर चल रहा है। बस बस, तो कल मैं अग्रवाल के यहाँ गई थी, वहां भी मैंने तुम्हारी बिन्नी के बारे में सुना, और सच कहूं तो मेरे आंखों में आंसू आ गए। आंटी से पूछ, एक गिलास पानी ले आऊं? आंटी, आपके लिए एक गिलास पानी ले आऊं? हाँ, ले। हाँ, तो आंखों में आंसू आ गए। फिर जिस घर में मर्द ही मर्द हो, न कोई सलीका सिखाने वाला, न कोई नजाकत सिखाने वाला, उस घर की लड़की अगर मर्दानी और अखड़ हो तो उस बिचारी का क्या कसूर? तुम्हारी बिन्नी 30 की हो गई और अभी तो कुंवारी है। बिचारी अनाथ लड़की के साथ और क्या हो सकता है? सारा शहर परेशान है कि बिन्नी बिन्नी क्यों है, सारा शहर दुबला जा रहा है कि बिन्नी बिन्नी क्यों है। पेड़ काट काट के शहर नंगा हो गया, सुअर और गाय के नाम पे दंगा हो गया। 70 साल के गगन लाल ने 16 साल की कुसुम लता से ब्याह रचाया और शादी के दूसरे ही दिन शांति बाई ने अपनी बहू को चलाया, मगर हमारा शहर परेशान है कि बिन्नी बिन्नी क्यों है। सच, इस शहर को सच हजम नहीं होता, इसलिए वो अफवाहें उगलता है, पान की तरह काना फूसियां चबाता है। अरे, जहां महात्मा गांधी रोड पर बिकती शराब है, वहां सिर्फ मेरी बिन्नी की वजह से शहर का आजमा खराब है। बिन्नी जैसी भी है, बिन्नी है, वो मेरी है, उसमें कोई खोट नहीं, वो पूरी है। अरे, जिस शहर को इंसान होने की तमीज नहीं, उस शहर को शिकायत है बिन्नी के बारे में, तो रहे। अब मैं शहर की उम्मीदों के हिसाब से बिन्नी को काट छाट कर छोटा कैसे कर दूं? बिन्नी आखिर मेरी बेटी है, कमीज नहीं। उप्स, मैं अभी कमीज बदल के आती हूँ। आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए, ये कोई नाइट क्लब नहीं है, इट्स जस्ट अ क्लब। सिर्फ मेरे जैसे शरीफ लोग ही यहाँ के मेंबर्स हैं, आपकी इज्जत को यहाँ कोई खतरा नहीं। बलिराम, मैम साहब को रेस्ट रूम दिखाओ। हेलो यंग मैन। साहब जी, कैप जो बैराम अंकल, मुबारक हो जेठी, आखिर तुम्हारा कुंवारपन खतरे में आ गया। आप तो जानते ही हैं कि मैं कुंवारा नहीं, विधुर हूं, इसलिए खतरे की कोई बात है नहीं। और वो मुसीबत में फंसी हुई राजकुमारी है जरूर, लेकिन मैं उसका राजकुमार नहीं, उसका अपना खुद का राजकुमार है पाला पोसा। अच्छा, तो फिर वो दिखाई क्यों नहीं देता? इज ही इनविजिबल और समथिंग? वो इस वक्त एक सबला मैकेनिक के हाथों अपने खटारे की मरम्मत करवाता हुआ शहर की सीमा पर नजर आ रहा है। सबला मैकेनिक? ओ बिन्नी,
यस मिस राय, द वन एंड ओनली। एक हिंदुस्तानी लड़की अपनी शादी की बात खुद तय करेगी? राम राम राम, कलयुग आ गया। जा जा तू अंदर जा, हम बड़ों को तय करने दे। नहीं, अपने सारे फैसले बिन्नी खुद करती है। खैर, वैसे तो मेरे पास हर तरह का माल है, लेकिन तुम्हारी बेटी को नजर में रखते हुए मैंने एक अलग छोटी सी फाइल बनाई है। ये लड़का ब्राह्मण कुलदीपक अच्छा कमाता खाता है, लंदन के एक होटल में वेटर का काम करता है। कहता है कोई गोरी गोरी नीली आंखों वाली लड़की चलेगी, मुझे नहीं लगता यहाँ दाल गलेगी। ये पार्टी बहुत पैसे वाली और जानी मानी है, जगह जगह उनके मंदिर उनके धर्म प्रेम की निशानी है। ये लड़का कुछ करता धरता नहीं, मगर इससे कोई फर्क पड़ता नहीं। लेकिन मेरी एक मुश्किल है, पूजा पाठ से मेरा दूर का भी नाता नहीं, उपवास करके भूखे मरना मुझे सुहाता नहीं, और फिर मेरी तो जन्म पत्री भी नहीं, इसलिए आप भी कुछ कर सकती नहीं। नहीं, मैं इसके लायक नहीं, ये ऐसी कैसी लड़की मेरी बात को टाल देती है, रिश्ते जितने लाई हूँ मैं सबको नाना कहती है। एक बड़े परिवार को चाहिए बहू जो मेहनती हो और हो घरेलू। रसोई सफाई तो मेरे बाएं हाथ का काम, लेकिन मेरी जुबान को कौन देगा लगाम? नहीं, मैं इसके लायक नहीं। ये लड़का पान वाला है मगर टीवी सीरियल बनाता है, हर एक एपिसोड में पूरा 1,00,000 कमाता है। ओ, पर मेरी उसकी क्या जोड़ होगी, उसके साथ जिंदगी एक बोरिंग एपिसोड होगी। नहीं, मैं इसके लायक नहीं। इस लड़के के है 5-5 कारखाने, इसके माँ बाप को चाहिए 50 तोले गहने। 50? क्यों? लड़का कमाऊ है। कमाऊ? बिकाऊ है। नहीं, मैं इसके लायक नहीं। तू अपने आप को समझती क्या है, कोई फिल्म स्टार या मिस इंडिया कि मर तेरे पीछे पागल हो जाएंगे? बिल्कुल नहीं आंटी, इतनी देर से मैं आपको यही तो समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि मैं इसके लायक ही नहीं, मैं तो होपलेस केस हूँ, एब्सोल्युटली होपलेस। क्यों पापा? बिल्कुल, आपका वक्त बहुत कीमती है, आपके पास दम लेने की फुर्सत नहीं, अपना समय हम पर जाया करें आपको इसकी कोई जरूरत नहीं, इसलिए नमस्कार। पीढ़ियां दर पीढ़ियां कितने लड़के और कितनी लड़कियां मैंने मिलाए, कितने जोड़े बनाए, माँ बाप के सर से कितने बोझ हटाए मुझे याद नहीं, मगर मैं कभी नाकामयाब नहीं रही, आज के सिवा तेरी वजह से। एक तो ढलती उम्र, दूसरे न शकल न सूरत न नाक न नजर, ऊपर से इतना गरूर दिखाती है कि मेरे लाए हुए रिश्तों को ठुकराती है। तो सुन, मैं खाती हूँ कसम, आज के बाद इस दरवाजे पर मैं नहीं रखूंगी कदम, मैं खाती हूँ कसम। सुनो सुनो हे देवो हे गंधर्वो हे किन्नरो, सुनो सुनो लोक, 14 भुवन 5 भूत 9 ग्रह 10 दिशाएं, तुम भी सुनो। ये लड़की, ये मगरूर लड़की चीखेगी चिल्लाएगी गिड़गिड़ाएगी बुलाएगी, घुटनों के बल चलकर आएगी, बालों से मेरा आंगन बुहारेगी, पलकों से मेरी जूती चमकाएगी, फिर भी मैं नहीं रखूंगी कदम, मैं खाती हूं कसम। और ये भी सुनो, मेरी परछाई के साथ साथ इस घर का सुहाग भी चला जाएगा, कभी इस घर में शहनाई नहीं बजेगी, किसी कुवारे बदन पे हल्दी नहीं सजेगी, नहीं आएगी कोई बारात, कान खोल कर सुन लो मेरी बात, मेरी परछाई के साथ साथ इस घर का सुहाग भी चला जाएगा।
पत्ता भी नहीं है। हवा का नाम तक नहीं। गर्मी बढ़ रही है। बारिश नहीं हुई ना? हाँ, अब तक तो हो जानी चाहिए थी। मौसम बीता जा रहा है। मगर हमें उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए, है ना पापा? हाँ बेटे, हमें उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। बारिश ना सही, बारिश का इंतजार तो होना ही चाहिए। हाय, ये अपना भीमी है ना? इतना सज धज के किसकी कत्ल करने की तैयारी है? दीदी, शहर भर के लोग होंगे रिसेप्शन में। मैंने सोचा कहीं खानदान की बेइज्जती ना हो जाए। बिल्कुल, भीम ठीक कहता है। शहर भर के लिए या शहर में कोई खास है जिसके लिए? मैं किसी को भाव नहीं देता। करेक्ट। तो फिर ठीक है, इतनी जल्दी जाने की कोई जरूरत नहीं है, सब साथ चलेंगे, क्यों पापा? ये भी ठीक है। ओ पापा, फंस गया ना, अब बैठे रहा इसके इंतजार में। अरे भाई, सिर्फ बिन्नी का ही नहीं, हमें तो तेरे बड़े भैया का भी इंतजार करना है। ओ नो, एक और मुसीबत। मुसीबत? अगर जल्दी बारिश नहीं हुई ना तो गजब हो जाएगा, गजब। लो, अब तो चिंता की कोई बात नहीं ना। चिंता की कोई बात नहीं जब पौधे सूख रहे हैं, पानी का कहीं नहीं नाम, मजदूर बन गए हैं आलसी, कोई ना कर रहा काम। लगता है दुनिया फट जाएगी गैस के गुब्बारे की तरह धड़ाम। शराब, बड़ों के बीच बोला नहीं करते। तो क्या मैं बड़ा नहीं हूँ? मैं 18 को होने वाला हूँ, मुझे वोट देने का हक होगा। तुम वोट दोगे? फिर तो भगवान ही इस देश का मालिक है। वो तो वैसे भी है। और आप ये बंधन के कहाँ जा रहे हैं, हैं? वोट देने? ओ भैया, दीदी आपको 3 दिन से याद दिला रही है, आज लोपा की शादी का रिसेप्शन है, हमें डिनर पे बुलाया है। डिनर, पार्टी, रिसेप्शन, सूखा, दरवाजे पर खड़ा है भूखा, फसल खेतों में प्यासी है, हर हाथ बेकार, हर आंख में उदासी है, ऐसे में कोई जश्न कैसे मना सकता है? हैं? कलियां मुरझाई, धान में बालियां नहीं आई, मजदूर बैठे थाले हैं, धंधे में घाटे आने वाले हैं, ऐसे में कोई बीन कैसे बजा सकता है? ऐसे में कोई जश्न कैसे मना सकता है? बेटे, बहुत सी बातें होती हैं ऐसी जिनका जवाब नहीं होता कोई। आग और खून का हर मौसम है, हर तरफ जंग का आलम है, लोग मारते हैं, लोग मरते हैं, फिर भी एक दूसरे से प्यार करते हैं, क्यों? बहुत सी बातें होती हैं ऐसी जिनका जवाब नहीं होता कोई। लोग प्यार करते हैं, घर बसाते हैं और नन्हे बच्चों को दुनिया में लाते हैं, भूख और दर्द की भरी हुई दुनिया में, नफरत और जुल्म से हारी हुई दुनिया में, बारूद और शोलों से संवारी हुई दुनिया में, क्यों लाते हैं नन्नी जानों को, बेकसूर, बेगुनाह, बेजुबानों को, क्यों? बहुत सी बातें होती हैं ऐसी जिनका। तुम्हारी माँ आ गई। पापा, आप भी कैसा मजाक करते हो, माँ तो कितनी सुंदर थी। अरे तू भी सुंदर है अपने आप में, मेरी राज दुलारी है तू। ये राजकुमारी राज दुलारी तो मुझे पता नहीं, मगर दीदी आज तुम कुछ अजीब लग रही हो। सारे शहर के सामने खानदान की बेइज्जती तो नहीं होगी ना? मेरा वो मतलब नहीं था। फिर क्या मतलब था? मतलब आज तुम कुछ पुराने ढंग की लग रही हो।
मतलब लिली ऐसे कपड़े नहीं पहनती। मतलब तुम आज दूसरी लड़कियों से अलग दिख रही हो। अबे घोचू चुप कर। बिन्नी, तुम्हारे रोज के कपड़ों से साड़ी ज्यादा अच्छी लगती है। थैंक यू। मुझसे नहीं होगा। कम ऑन बिम, कम ऑन। अरे ऐसा मौका फिर कहाँ मिलेगा। लेकिन मुझे बजाने की प्रैक्टिस नहीं है। अरे तो हम जेल ले ले यार, हम जेल लेंगे। यू लुक ग्रेट। मेरे सपनों का ड्रमर। तुम सब कहते हो तो बजा लूंगा। अरे मेरे कहने से क्या होता है, फिर भी मैं कहती हूँ। कैसी हो बिनी? अच्छी हूँ। और ज्यादा दिन तक अच्छी नहीं रहने वाली। लेकिन ये तो उसके बाप को समझना चाहिए ना। उसे लगता है उसके तीन तीन बेटे हैं। अरे उसे ही क्यों, मुझे भी लगता है उसके तीन बेटे ही हैं। डोंट वरी, मैंने तो अपनी बीवी को बोल दिया है मैं सिर्फ दो मौकों पर शराब पीऊंगा, एक तो जब बरसात हो तब और दूसरा बरसात ना हो तब। मतलब कि सूखा हो तब भी आपका गला सूखा नहीं होगा। सूखा हो, सूखा है और कुछ दिन ऐसे ही चला तो सूखा अकाल बन जाएगा। क्या बात करते हो, हैव दे ऑफिशियली अनाउंस द ड्राउट? अरे जब तक सरकार नहीं कहती कि सूखा है, सूखा कैसे हो सकता है? क्यों जेडी साहब? हाय जेडी। हमने तो भूल गए ना आप मुझे। आपको भला कोई भूल सकता है? जेंटलमैन, मिस उर्मिला जो इस बेरहम मौसम में हमारे छोटे से शहर के मेहमान हैं और बुरी तरह बोर हो रही हैं। एक्सक्यूज मी। थैंक्स। चिवलरी इज नॉट डेड है। की शाम ना बर्बाद करो, आज की शाम ना बर्बाद करो। आज तो बिजलियां गिराने की शाम की। ओ दीदी तुम न समझोगी, बिन्नी दीदी तुम न जानोगी,
तुम्हें क्या पता कि एक ही शादी में कितनी निगाहें चार होती है? शादी सहेली की हो या हो किसी की, कितने छुप छुप के वार होते हैं। कैसे लड़के पटाए जाते हैं, कितने दूल्हे फंसाए जाते हैं। इसलिए ए शरीफ लड़कियों, चलो अपने हुस्न का तूफान लेकर, इस बार हम लड़कियों की कतारें हैं और उस बार सब के सब कुंवारे हैं। हाय 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 बड़ी हो, पर शादी के मैदान में कब से अकेली खड़ी हो, इसलिए हमारी मान लो वरना यूं ही रह जाओगी, ये जान लो। मेरा घर भूल गई, हर चेहरा सवाली लगता है, भरा हुआ घर खाली लगता है। मेरे कदमों से लिपट बेचैनी, मेरे कदमों से लिपट बेचैनी, आज जाने कहां ले जा। पास क्या है जो कोई आएगा, मुझे देखेगा और रुक जाएगा, फिर क्या कोई नहीं आएगा, अब यहाँ कोई नहीं आएगा। ये किसका इंतजार है मुझे, ये किसका इंतजार है मुझे, किस के आने की खबर ला।
बिम, नाश्ता कर लो जल्दी से। अरे बिनी जरा ये सुनो तो, क्या आप दूसरों के दिल और दिमाग में छिपी हुई बातों को जानना चाहते हैं? तो ये रहा तरीका। क्या है, क्या है वो तरीका? पिछले हफ्ते नई दिल्ली के रास्ते पर एक आदमी 500 रुपए में चश्मे बेच रहा था। उसका दावा था कि वो चश्मे चमत्कारी हैं। जो आदमी ये चमत्कारी चश्मा पूरे 48 घंटे तक पहनेगा, वो दूसरों के दिल और दिमाग के अंदर छिपी बातों को आसानी से देख सकेगा। कमाल है। जानकार सूत्रों के हवाले हमें ये खबर मिली है कि एक ही दिन में सैकड़ों चश्मे बिक गए और खरीदने वालों में कई महत्वपूर्ण नेता, बड़े उद्योगपति तथा अखबारों के मालिक भी शामिल थे। लेकिन अफसोस की बात है, जब हमारे रिपोर्टर उनका इंटरव्यू लेने गए तब तक वो हजरत गायब हो चुके थे। ऐसा चश्मा मिल जाए तो बड़ा मजा आएगा ना बिनी दीदी। पहन लो चश्मा, झांक लो दिल में। पहन लो चश्मा, झांक लो दिल में। वाह क्या बात है। मुझे तो पूरा भरोसा है कि ये चश्मे सचमुच चमत्कारी है। ओ चुप करो बिम, भरोसे की बात करता है। अब तो सिर्फ एक ही भरोसे की बात है और वो है अकाल, सूखा। मुझे तो ऐसा नहीं लगता। आप तो सिर्फ रसीली और रोमांचकारी कथाओं पर विश्वास करते हैं ना, लेकिन मैं विश्वास करता हूं सच्चाई पर, और आज की सच्चाई है अकाल। पान का खर्चा कम करना पड़ेगा, सोचता हूं कुछ मजदूर हटा दूं। मैं तुम्हारी जगह होता तो थोड़ी देर इंतजार करता, रुकता। सॉरी, रुकने से मुसीबतें सिर्फ बढ़ती हैं। पहले बैंक मैनेजर को फोन करके ये। तो तुम भी ऐसा चश्मा चाहोगे ना लिली? मैं तुम्हारे लिए जरूर। बेम। कट गया। ये वही लड़की थी ना जिसकी कार में उस रात तुम बैठे थे? कितनी बार कहा है तुझसे उस आवारा लड़की के पीछे बेवकूफ मत बन। लिली कोई आवारा लड़की नहीं है, वो तो बहुत अच्छी लड़की है। उसने तो यहां तक कहा कि मैं चाहूं तो उसकी कार तक चला सकता हूं। चुप कर, बहुत देखी है ऐसी, और ये कहना मुश्किल होगा कि वो लड़की ज्यादा तेज है या उसकी कार। लेकिन बहुत अच्छी लड़की है वो, उसने तो मुझसे ये भी कहा कि मैं पायलट की ड्रेस में बहुत अच्छा लगूंगा। ये तो बड़ी अच्छी बात कही उसने। जाओ पहले अपना नाश्ता कर लो। पापा आप इसे खामखा अपने आप को बेवकूफ बनाने के सिवा कुछ नहीं कर पाएगा ये। धीरज धरो, बच्चा है बेचारा, बड़ा हो रहा है। हाँ धीरज धरो, थोड़ा रुको, इंतजार करो, देखते रहो, हाथ पर हाथ धरे बैठे रहो, सब कुछ अपने आप ठीक हो जाएगा। बिल्कुल, इंतजार करोगे तो बाहर आएगी, घास अपने आप बाहर आएगी, सीधी साधी बात है, मगर तुम नहीं समझोगे। हाथ पर हाथ धरे बैठना और धीरज धरना, इसमें भी बहुत फर्क होता है, सीधी साधी बात है, मगर तुम नहीं समझोगे। ये धीरज वीरज आलसी लोगों का बहाना है पापा, जो कुछ नहीं करना चाहते, सच्चाई का सामना करने की जिनमें हिम्मत नहीं होती, अपनी जिम्मेदारी निभाने की जिनमें ताकत नहीं होती, उनके लिए बहाना है ये इंतजार वगैरह। क्या बात है, परेशान लग रहे हो? कहीं रमी का गेम हारने का अफसोस तो नहीं, या फिर फार्म की कोई प्रॉब्लम? नहीं बहराम, जाने क्यों आजकल लगने लगा है कि मैं बाप की जिम्मेदारी निभा रहा हूं या नहीं पूरी तरह से, खासतौर से बिनी को लेकर। क्या मैं तो क्या शहर के औरतों के काना फुसिया तुम तक? तुम समझते हो मुझे पता नहीं लोग बिन्नी के बारे में क्या क्या कहते हैं? मुझे पता है कि बिन्नी, अब जानता हूं उसका अपना पति अपना घरबार होना चाहिए, लेकिन मैं बिन्नी को जैसे तैसे निपटाकर किनारा तो नहीं कर सकता, मेरे लिए बोझ नहीं है वो। रघु तुम हमेशा जीतते रहे हो, तुम्हें हमेशा भरोसा रहा है अपने आप पर, पूरा भरोसा। तुमने जिंदगी को प्यार किया, उसे भरपूर जिया है, यू हैव लिव्ड अ फुल लाइफ।
रघुनाथ राय जिसने आसमान की ऊंचाई नापी थी, तूफानों से दोस्ती की थी। रेणुका से तुम्हारा प्यार और शादी भी तो एक तूफान ही था, और फिर उसकी अचानक मौत। पर तुम डगमगाए नहीं, डटे रहे, और इतनी सी बात के लिए इतने नेवर। हम कोई रास्ता निकालेंगे, कोई ना कोई रास्ता जरूर निकालेंगे। हाँ, बाकी कुछ करने की जरूरत नहीं, और कोई कसर बाकी रह जाए तो संभाल लेगा प्यार। प्यार 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 प्यार, एक ऋतु एक मौसम है प्यार, एक दोस्त एक हमदम है प्यार, कभी घर आया मेहमान है प्यार, कहीं खिड़की का आसमां है प्यार। प्यार 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 प्यार, चाहत का सिंगार है प्यार, पर मन की फुर्सत का इतवार है प्यार। दोपहर की बोनिंदिया है प्यार, आधी रातों की कॉफी है प्यार, चाय आधी आधी है प्यार, है प्यार 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 प्यार। हेलो हेलो, कुछ सुनाई नहीं पड़ रहा, खाने पे आ रहा है कौन? ओ नो पापा, हाँ मैं मानती हूं कि मेहमानों को कभी कभी बुलाना चाहिए गपशप के लिए, पर उसे मेरी कंपनी पसंद आएगी? पापा वो तो मुझे और कुछ नहीं। हाँ खाना तैयार मिलेगा, बाय। सारे शहर में मिला भी तो कौन जेडी? मगर बरसात आने में बहुत ज्यादा देर हो गई है सर, आने वाले 2-3 दिनों में अगर बरसात नहीं हुई तो, जो कि नामुमकिन ही लगता है, तो किसानों को बहुत भारी बोझ उठाना पड़ेगा, बहुत बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा सर। वैसे ही काफी मजदूर बेकार हो गए, कुछ लोग गाँव छोड़कर जाने लगे हैं, इसलिए मैंने रिलीफ वर्क और लगान में छूट का ऐलान करवा दिया है सर। और सर, कल तक ऑर्डर्स कैंसिल किए जाएंगे सर। गुड नाइट सर। उसे तो कोई नाजुक सी चुई मुई कुमलांगी कन्या ही पसंद आएगी। लेकिन हो सकता है कि मैं क्यों ये सोचूं मैं कि वो मुझे पसंद नहीं करता। जब कभी हम मिलते हैं कतराता है, हो सकता है शायद ये एक नाता है। जब
ऊपर से बेपरवाही की नकाब हो, भीतर ही भीतर मिलने को बेताब हो। क्यों ये सोचूं मैं कि वो मुझे पसंद नहीं करता? हो सकता है कि जब आएगा आज शाम उसके चेहरे पे बस गंभीर बरसता हो, लेकिन अंदर ही अंदर मुझसे बात करने को तरसता हो। हो सकता है शायद ये भी एक नाता है। सर, वो रिलीफ वर्क्स के ऑर्डर्स के बारे में जो आपने कहा था, भूल जाओ। रिलीफ वर्क और लगान में माफी भूल जाओ। मंत्री महोदय का कहना है कि सूखे के ऐलान में हमने जल्दबाजी की। जल्दबाजी? मैंने तो सोचा था हमने एक्शन लेने में बहुत देर की है। सर, जवान खून है ना, उफनता है, उबलता है, लेकिन जैसे जैसे उम्र ढलती है पता चलता है कि हुक्म आखिर उसी का चलता है जो न बदलने देता है कुछ न खुद बदलता है। सर, मैं आपसे सहमत नहीं। हम नई पीढ़ी के लोग अगर इस तरह, नई पीढ़ी, नए लोग, नया दौर, इनकलाब, ये तो सिर्फ मुहासे हैं जो जवानी में सबको आते हैं और उम्र के साथ गायब हो जाते हैं। फिर तो जिंदगी एक दफ्तर बन जाती है, 9 से 5 का सफर बन जाती है। सॉरी सर, जिंदगी कुछ और हो ना हो, एक दफ्तर, एक रजिस्टर या एक फाइल नहीं बनाऊंगा। जैसे जैसे उम्र ढलती है पता चलता है कि हुक्म आखिर किसी और का चलता है। इसलिए मेरी एक बात याद रखना, जिंदगी हो या काम, कभी ज्यादा मत उलझना। हर दिन एक रजिस्टर है जिस पर सिर्फ हाजिरी चढ़ाना, हर लम्हा एक फाइल है, बस दस्तखत करना और आगे बढ़ाना। लेकिन फॉर गॉड सेक, जिंदगी हो या काम, कभी जुड़ न जाना, कभी जुड़ न जाना। सर, हेलो जीडी। हेलो जीडी। ओह हेलो, व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज। देखा डैडी, मैंने कहा था ना, जीडी को मुझसे मिलकर खुशी ही होगी। बेशक। बहुत गर्मी है ना? दिन भर काम करके घर लौटने पर बुरा लगता होगा। क्यों? ये लंबी गर्म शामें काटना बड़ा मुश्किल होता है, है ना? हाँ, मुझ जैसे आदमी के लिए जिसकी बीवी मर गई हो, उसके लिए तो शामें काटना मुश्किल ही होता है। लेकिन क्या करे, जो सामने हो उसका सामना तो करना ही पड़ता है। अकेले सामना करना और भी खलता होगा, कोई साथ हो तो फिर भी सहारा रहता है ना? हाँ बिल्कुल, पर इसलिए मुझे ये ख्याल आया, मतलब अभी आपको यहाँ अकेले खड़े देखकर ख्याल आया, और मैंने भी उनसे कहा भी, देखो तो जेडी कितने अकेले हैं, अगर हम उन्हें डिनर के लिए घर बुलाएंगे तो उन्हें अच्छा लगेगा, और फिर चाहे तो रमी भी खेल सकते हैं। हाँ, और साथ में बिनी दीदी के हाथ का बना हुआ खाना है ना? और मैंने कहा भी, क्यों बिम, यही कहा था ना? क्या पापा? यही के तुझे याद नहीं, यही के इससे जेडी के अकेलेपन का भी इलाज हो जाएगा और हमें भी खुशी होगी। हाँ बिल्कुल, यही जेडी का अकेलापन और हमारी खुशी। करेक्ट, कितना अच्छा आइडिया है ना? बिल्कुल। खास तौर से अगर ये आइडिया कामयाब हो गया तो इससे मिस राय के अकेलेपन का भी इलाज हो जाएगा। लेकिन विनी दीदी को तो अकेलेपन वगैरह की कोई तकलीफ नहीं, मतलब ऐसी तकलीफ जिसका इलाज जरूरी हो। अच्छा? हाँ, हालांकि मैंने तो कुछ और ही सुना। क्या सुना?
यही कि सारे परिवार की पूरी कोशिश के बावजूद और खुद लड़की की मिन्नतों के बावजूद भी रिश्ता मिलना एक होपलेस केस साबित हुआ। आप किस लड़की की बात कर रहे हैं? क्या मतलब है आपका? हम यहाँ एक दोस्त की हैसियत से आए हैं। मैं दोस्त बनने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ, मगर शायद जेरी साहब को थोड़ी तकलीफ हो रही है। मैं दोस्ती का हाथ बढ़ाने के लिए हमेशा तैयार हूँ, लेकिन शादी के जाल में फंसने को कतई नहीं। खबरदार जो इस तरह I'm really sorry. मुझे भी अफसोस है, लेकिन बिम के लिए नहीं, आपके लिए। क्योंकि जब मैं यहां आया था तो ये बात जरूर मेरे मन में थी कि बिनी अकेली है, जेडी भी अकेले हैं। अगर दोनों अपना अपना अकेलापन बांट लें, दोस्त बन जाएं, तो अच्छा होगा। लेकिन मैं यहां सिर्फ इसलिए भी नहीं आया था, मेरे आने की वजह यह भी थी कि तुम, हाँ तुम हमेशा मुझे अच्छे लगे हो, हम सबको। और इसलिए यह भी लगा था कि हमारे घर आकर तुम अपनी दिन भर की थकान मिटा सकते हो, थोड़ी देर के लिए ही सही खुलकर हंस सकते हो। यकीन मानो, तुम्हें जाल में फंसाकर अपनी बेटी से शादी करवाने का इरादा मेरा जरा भी नहीं था। और अगर मेरे मन में कहीं दबी ढकी ये बात रही भी होती तो बिनी इसे गवारा नहीं करती, कभी नहीं। और तुमने इतनी जरा सी बात के लिए इस बच्चे पर हाथ उठा दिया, क्यों? तुम अपने मुंह से कहते रहते हो कि तुम्हारी बीवी मर चुकी है, हालांकि तुम अच्छी तरह जानते हो कि यह सच नहीं है, फिर भी कहते रहते हो, क्यों? इलाज की जरूरत तुम्हें है, मेरी बेटी को नहीं। चलो बिम। अगर हमने रहम करके तुम्हें थोड़ा सा दूध पिलाया तो इसका मतलब ये नहीं कि हमेशा के लिए हम जुड़ जाएंगे। स्थिति खराब हो गई है, जबकि पश्चिम बंगाल और असम में इतने सुधार। बुरी खबर है, आंधी मटकुली तक आ पहुंची है। जेडी से पूछूंगा, क्या यहाँ भी आने का खतरा है? तुम्हें जो कुछ पूछना है फोन करके पूछ लो। जब वो यहाँ आ ही रहे हैं तो विदेश सचिव श्री मुचकुंद दुबे और पाकिस्तान के पक्ष का क्या वो नहीं आ रहे हैं? नहीं, वो नहीं आ रहे। बिम को साथ नहीं ले जाना चाहिए था आपको? जहां भी जाता है काम खराब करता है। नहीं, इसमें बिम का कोई दोष नहीं। तो फिर बिनी तो उससे क्या कहेंगे? पता नहीं। साहिबान, कदरदान, जिले सुभानी, रघुनाथ राय, आपकी गुले गुलजार, गुल बदन, साहबजादी बिनीता राय तैयार है और उसका बटर चिकन भी तैयार है। मैं कोई चमक झलक वगैरह तो नहीं लग रही हूं ना? नहीं, तू बहुत सुंदर लग रही है। आज मैं बहुत खुश हूं पापा। वेल, हो सकता है कि ये मेरे पकाए हुए खाने की खुशबू का असर हो, फिर भी क्या बात है, वो नहीं आ रहे है ना?
पापा, कहानी जरूर थोड़ी अलग रही होगी। लड़की का बाप हीरो के यहां जाता है और उसे खाने पे बुलाता है। इट्स वेरी सटल द प्रोपोजिशन। मगर हीरो होशियार है, समझ जाता है। कहता है, मैं तो खुशी से आ जाता अगर आप ना चाहते होते ऐसा नाता, पर आपकी एक कन्या है जो ना है छुई मुई, ना है शर्मीली, ना कोमल है ना है लजीली। मेरी हर कसौटी पे उतरेगी वो आधी, क्योंकि वो तो है बिल्कुल सीधी साधी। बस सिर्फ सीधी साधी, बहुत ही मामूली, बहुत ही। बिनी तुम, पापा आपने अगर मेरी राय ली होती तो इस जिल्लत से तो बिन्नी बच जाती। आपको 10 बार सोचना चाहिए था जेडी के पास जाने से पहले। नहीं, जेडी के यहां जाने में कोई गलती नहीं थी। हाँ, मुझे भी अच्छा लगता था जेडी। मतलब अगर उसने मुझ पर वार ना किया होता तो शायद अब भी अच्छा लगता जेडी। बाहर में जाए जेडी। बेटे, हाँ, बाहर में जाए जेडी, और बाहर में जाए जेडी जैसे सारे मर्द जिनके लिए औरत या तो कमल कोमल कली है जो धूप में मुरझा जाएगी, या फिर पांव की जूती है जो बरसों काम आएगी। बाहर में जाए जेडी, और जेडी जैसे सारे मर्द जिनके लिए औरत सिर्फ नाप है कमर या सीने की, और मंगलसूत्र के सिवाय उसकी कोई कीमत नहीं है जीने की। बाहर में जाए सारे मर्द। उफ, अरे फिर से लाइट चली गई। भीम, जरा देख लो पीछे का दरवाजा बंद तो है ना। हाँ देखता हूं। कौन, कौन हो तुम, क्या चाहिए तुम्हें? मुसाफिर लगता है, रास्ता भूल गए हो क्या? कुछ मदद कर सकते हैं तुम्हारी? कौन हो तुम? मैं दिलों में रहता हूं, उम्मीदों में बसता हूं, सपनों में जीता हूं और गम पीता हूं। जब कोई सपना मुरझाता है, उम्मीद सूखती है, अरमान झुलस जाता है, तो मैं आता हूं और बरस जाता हूं। लेकिन सबसे पहले इस हसीन नाजनीन की किदबत में अपने अकीदत का नाचीज तोहफा पेश करने की इजाजत चाहूंगा, जिसकी खूबसूरती पर इस सरजमीन के चमन का हर फूल और इस आसमान की कहकशा का हर सितारा बेपनाह रश कर रहा है, और जिसकी रंगत देखकर चांदनी जल जल कर काली हो जाए। अभी तक ना तो अपना नाम बताया है और ना ही यहां बिन बुलाए बिना पूछे आने की वजह। दृष्टद्युम्न पद्मनाभ प्रजापति नीलकंठ धूमकेतु बारिश कर नाम है, और मुश्किलें हल करना काम है। हमारी कोई मुश्किलें नहीं है, कम से कम ऐसी नहीं जो हम खुद ना हल कर सकें। नहीं है फिर कलियां जो मुरझाई वो क्या है, धान में बालियां नहीं आई वो क्या है, मजदूर बैठे ठाले हैं, धंधे में घोटाले हैं और फायदे में घाटे होने वाले हैं वो क्या है। कमाल है, इसे तो पता पूरा हाल है। हो हो हो, लगता है घनघोर लड़ाई हो गई है। बाय द वे, वो फार्म आप ही के है ना? फार्म है इनके, लेकिन चला था मैं। ऑफ कोर्स, तुम्हारे चेहरे पर लिखा हुआ है बिना स्पेलिंग मिस्टेक के कि तुम ऐसे आदमी हो जो चीजें चलाता है, मैनेज करता है, सच्चाई के आंखों में आंखें डालकर बेहिचक देख सकता है, मैन ऑफ 21st century, मैन ऑफ फैक्ट्स, हर काम के लिए प्लान, स्कीम, सिस्टम। इसलिए बताइए कि क्या प्लान है तुम्हारे पास, कलियां जो मुरझाई उनके लिए, धान में बालियां नहीं आई उनके लिए। जानता हूं, दोहराने की जरूरत नहीं है, आखिर फार्म के लिए जिम्मेदार मैं हूं। और मैं तुम्हारे फार्म्स बचा सकता हूं। वाह, तुम बचा सकते हो? सूखे का नाम भी सुना है कभी? नाम सुना है, सूखे के सिवा और कुछ सुना ही नहीं। जहां भी जाता हूं सूखा मेरे पहले वहां पहुंचा हुआ होता है। कभी कभी लगता है कि
सूखा मेरे आने की खबर है। सूखी नदिया सूनी तलैया सूना पोखर घाट, सूने नैना सूना काजल सूनी मन की बाट। जहां भी जाता हूं होती है यही कहानी, धरती पर तो कहीं नहीं सिर्फ आंखों में है पानी, लेकिन जब वहां से लौटता हूं तो पीछे छोड़ आता हूं हरियाला सावन पनियाली धरती, हंसते बिरवे मुस्काती परती, झम झम पानी और छम छम पांव, धान की चुनरी पहने नाचे सारा गांव। गॉड, ये आदमी तो पागल है। बिल्कुल पूरा सोलाना दीवाना हूं। आज सुबह सुबह जब मेरी नींद खुली और मैंने इस दुनिया पे नजर डाली तो अपने आप से कहा, ये दुनिया अपनी समझदारी की वजह से इतनी ना समझ हो गई है कि कोई पागल ही इसे बचा सकता है। जैसे कि मैं दृष्टद्युम्न पद्मनाभ प्रजापति नीलकंठ धूमकेतु बारिश कर, जैसे कि नाटेकर पाटेकर पालेकर भालेकर कर्मर कर सुक्तन कर, वैसे ही बारिश कर। देखा? क्या आप सचमुच बारिश भी करवा सकते हैं? सिर्फ बातों की खाता है, कर कुछ भी नहीं सकता। ओहो बिनी दीदी, आप सचमुच बारिश करवा सकते हैं? कई बार करवा चुका हूँ भाई। हाँ? कई बार करवा चुका हूँ। नॉनसेंस, बकवास। ओ प्लीज भैया। कैसे? ये भी कोई सीक्रेट है? NaCl plus H2SO4 equal to Na2SO4 plus H2O plus Cl2 और C2H5OH plus O2 equal to कोरी गप, बंडलबाजी। राइट, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। और ये बंडलबाजी क्यों लग रही है मालूम है? क्योंकि ये बंडलबाजी है। ऐसी बंडलबाजी दिखाकर अपनी इज्जत दांव पर लगाना मैं कभी गंवारा नहीं करूंगा। भला ऐसे केमिस्ट्री के फॉर्मूले से बारिश हो सकती है? जी जी जी। तो फिर आपका फॉर्मूला क्या है? ओहो, तो आप मुफ्त में मेरे बिजनेस का राज जानना चाहते हैं? नहीं साहब, इतना तो मैं भोला भाला नहीं हूँ। बिना सौदा किए माल नहीं बेचता मैं। आपको खरीदना हो तो बोलिए। नहीं, बिल्कुल नहीं। क्या कीमत होगी? पापा, आप सचमुच इस बंडलबाज की बातें सुनने जा रहे हैं? सिर्फ सुनने का कोई दाम है? हाँ जी। नहीं तो फिर कीमत बताओ बारिश करवाने की। 48 घंटे के अंदर बारिश करवाने के सिर्फ 5,000 रुपए। उधार दोस्ती की कैंची है, नगद से मोहब्बत बढ़ती है, इसलिए पूरा पैसा एडवांस देना पड़ेगा। हाँ वो तो मैं जानती थी, पूरे पैसे एडवांस। दीदी सच में? यानी सच्ची मुच्ची की बारिश, पानी वाली बारिश? हाँ मेरे दोस्त, वही बारिश, वही बारिश जो आसमान से आती है, बूंदों में गाती है, पहाड़ों से फिसलती है, नदियों में चलती है, नहरों में मचलती है, कुएं पोखर से मिलती है, खपरेलों पर गिरती है, गलियों में फिरती है, मोड़ पर संभलती है, फिर आगे निकलती है, वही बारिश। ये बारिश अक्सर गीली होती है, इसे पानी भी कहते हैं। उर्दू में आप, मराठी में पानी, तमिल में तन्नी, कन्नड़ में नीर और बांग्ला में जौल कहते हैं। संस्कृत में जिसे वारी नीर जीवन पाए अमृत उद अंबु भी कहते हैं। ग्रीक में इसे अक्वा प्यूरा, अंग्रेजी में वाटर, फ्रेंच में आओ, और केमिस्ट में H2O कहते हैं। ये पानी आंख से ढलता है तो आंसू कहलाता है, लेकिन चेहरे पे चढ़ जाए तो रुबाब बन जाता है। हाँ, कोई शर्म से पानी पानी हो जाता है, और कभी कभी ये पानी सरकारी फाइलों में अपने कुएं समेत चोरी हो जाता है। पानी तो पानी है, पानी जिंदगानी है, इसलिए जब रूह की नदी सूखी हो, मन का हिरन प्यासा हो, दिमाग में लगी हो आग और प्यार की घाघर खाली हो, तब मैं हमेशा ये बारिश नाम का गीला पानी लेने की राय देता हूं। मेरी मानिए तो ये बारिश खरीदी है, सस्ती सुंदर टिकाऊ बारिश, सिर्फ 5,000 रुपए में। इससे कम में देखो ही तो चोर की सजा हो मेरी, आपकी जूती सिर पर मेरी, मेरी बारिश खरीदी है, सस्ती सुंदर टिकाऊ बारिश। भैया दे दो इसे 5,000 रुपए। नहीं भैया, हरगिज नहीं। नो चांस। लेकिन दीदी, मगर अपने यहां सूखा जो पड़ा है और इतनी गर्मी है कि रेम, इसका कोई इलाज नहीं है। क्यों नहीं? बारिश आएगी तो सब ठीक हो जाएगा। और ये साहब रेम, ये हजरत बारिश नहीं ला सकते। लेकिन आप कैसे लाएंगे बारिश? नो क्वेश्चंस प्लीज। अगर सौदा करना है तो जवाब दीजिए। आपको मिठाई खाने से मतलब है या मिठाई कैसे बनती है ये जानने से? हो सकता है मैं ये छड़ी आसमान की तरफ इस तरह घुमा दूं के आसमान की छाती फट पड़े, या मंत्र मारकर कोई ऐसा तीर छोड़ दूं ये ऐसा, या कोई ऐसा दर्द भरा गीत गा दूं जैसे सुनकर आप सब लोग रोने लगे, सब लोग
सारा गांव रोने लगे। आप सबको रोता देख आसमान की आंखें भर आए और वो भी जार जार रोने लगे। हो सकता है इसमें से कुछ भी हो सकता है। हाँ तो कहिए आपको मेरा सौदा मंजूर है या नहीं? नहीं, ये झूठ बोल रहा है, धोखेबाज है, पाखंडी है ये। बेशक ये झूठ बोल रहा है, धोखेबाज है, पाखंडी है। ठीक है तो फिर मैं चलता हूं, आपका वक्त बर्बाद करने का मुझे सख्त अफसोस है। लेकिन मुझे आप पर पूरा भरोसा है। हाँ मुझे आप पर पूरा भरोसा है। मैं जानता हूं मुझे तुम पर बिल्कुल भरोसा नहीं, लेकिन मैंने यह भी नहीं कहा कि मुझे सौदा मंजूर नहीं। पापा आप मेहनत की कमाई के 5,000 रुपए आप इस बंडलबाज पर गवा देना चाहते हैं? सोचूंगा कि बंबई के किसी 5-स्टार होटल में उड़ा दिए या फिर एक कीमती शर्ट खरीद लिया दिल्ली के किसी बुटीक से। पापा ये तो कोई वजह नहीं है। वजह मैं आपको बताता हूँ, आपको मेरा सौदा इसलिए मंजूर कर लेना चाहिए क्योंकि वजहों से मारी हुई इस दुनिया में एक बार किसी छलिए पर, किसी बंडलबाज पर, किसी धोखेबाज पर, किसी चालबाज पर कम से कम एक बार तो भरोसा कर लेना चाहिए। नहीं ठीक है, मैं आपको एक और बेहतर वजह बताता हूं। आपको मेरा सौदा इसलिए मंजूर कर लेना चाहिए क्योंकि 5,000 रुपए तो बस कुछ पैसे होते हैं लेकिन चमत्कार होता है, एक ख्वाब होता है जो सच हो जाता है। आपको मेरा सौदा इसलिए मंजूर कर लेना चाहिए क्योंकि ऐसी रात को, ऐसी गर्म रात को, ऐसी परेशान पसीने से भीगी रात को दुनिया दीवानी हो जाती है, होश खो बैठती है और हो सकता है ऐसी रातें, ऐसी गर्म रातें, ऐसी परेशान पसीने से भीगी रातें दीवाना होने के लिए होती है। मुझे सौदा मंजूर है। ओह नो, इस घर की हर चीज किसी का इंतजार कर रही थी। मैडम अपनी बेहतरीन पोशाक में, गुलदस्ते में ताजे फूल, 5 गिलास, 5 प्लेटें, 5 कुर्सियां, लेकिन घर के परिवार के सिवा कोई मौजूद नहीं। तभी मैं समझ गया था ये सारी तैयारियां मेरे लिए है, सिर्फ मेरे लिए। और ये पूरे 5,000। चलो अब काम शुरू करेंगे। करेंगे मतलब? तुमने पैसे लिए हैं, तुम काम करो। मदद तो करनी पड़ेगी। अगर आपने मदद नहीं की और बारिश नहीं आई तो आपके 5,000 रुपए पानी में गए समझो। पानी आएगा तब पानी में जाएंगे ना? जब पानी नहीं आएगा तब पानी में जाएंगे। बड़े चालाक हो। ठीक है। अरे यहां रख दीजिए, यहां रख। वेरी गुड, वेरी गुड। हालांकि असली कार्यक्रम कल सुबह सूरज निकलने से पहले शुरू हो जाएगा, फिलहाल आप ऐसे कीजिए, वो रख दीजिए प्रॉपर्टी सब। आसमान की तरफ ऐसे हाथ करके और एक पैर ऐसे 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 खड़े हो जाइए प्लीज। ओम भद्राय वरुणाय मेघमंडराय मारुत विहाय धाराय धारोपधाराय मुसलाधाराय नमो नमः। शाबाश, अब 2 मिनट तक ऐसे ही खड़े रहिए, चुपचाप, कोई हिलेगा नहीं। अब सारा ध्यान आसमान की तरफ केंद्रित हो जाए। अब थोड़ा और कॉन्सेंट्रेट कीजिए। शाबाश, वेरी गुड। थोड़ा गुड, कीप इट अप। बिन्नी मैं तुमसे कुछ पूछ सकता? नहीं। फिर भी मैं पूछूंगा, तुम बार बार अपना दुपट्टा अपनी उंगलियों में क्यों लपेट रही थी? मैं ऐसा कुछ नहीं कर रही थी। बहुत कुछ कर रही थी तुम, इस खूबसूरत पोशाक में किसी का इंतजार कर रही थी। तुम्हें इससे मतलब? लेकिन वो नहीं आया इसलिए तुम गुस्से में हो, सारी दुनिया से बदला लेना चाहती हो। एब्सोल्यूट नॉनसेंस। तो फिर तुम मुझे दुश्मन क्यों समझती हो? जब से मैं यहां आया हूं तुम्हारी आंखों में नफरत के सिवा और कुछ नहीं देखा। क्यों?
क्योंकि तुम झूठे हो, धोखेबाज हो और हमारे पैसे हड़पना चाहते हो। तुम हमारे पैसे हड़प सकते हो, मुझे बेवकूफ नहीं बना सकते, समझे? एक मिनट, एक मिनट। लो, गिन लो। मैं पैसे हमेशा एडवांस लेता हूं, लेकिन इस बार नहीं लूंगा, क्योंकि आपको मुझ पे भरोसा नहीं। लो, गिन लो। मैं आपको गलत साबित करके रहूंगा। बारिश होकर रहेगी, चाहे उसके लिए मुझे जमीन आसमान क्यों नहीं करना पड़े। बारिश होकर रहेगी। हाँ, मुझे पूरा भरोसा है। ये रख लो। इतनी रात गए कौन हो सकता है? शायद जेडी हो। ओ नो। नहीं, जेडी नहीं हो सकता। इतनी रात गए, जेडी? जेडी यहाँ के कलेक्टर हैं, और इस इलाके में जो होता है वो उनका जिम्मा है, चाहे वो सूखा हो, बाढ़ हो या धोखेबाजी। बिल्कुल, हो जाए। लिली है ना? क्या बोलती है? लिली, लिली कह रही है रात कितनी गर्म है और गर्म है अंधेरा, चांद तो जैसे लग रहा है गैस का गुब्बारा। अच्छा, और लिली की लाल कार कह रही है घर घिम कहाँ है बिम कहाँ है बिम। तो कह दो उससे घर घिम घर पे बिम घर पे है बिम। और कह दो ये भी बात कि घर पे ही रहेगा सारी रात। लेकिन 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 कुछ नहीं, उस लड़की की स्पीड है 90 किलोमीटर तो तुम्हारी है 10 किलोमीटर। उसके साथ अपनी खटारा जोड़ोगे तो टुकड़े टुकड़े हो जाओगे। बिम, तुम सचमुच लिली से मिलना चाहते थे? हाँ। बेहद बेहद। तो फिर बोले क्यों नहीं, जाके मिले क्यों नहीं? भैया ने मना जो कर दिया। और भैया कभी गलत नहीं हो सकते। क्यों? हाँ, बिम। हाँ, तुम मुझसे कुछ कहना चाहते हो? हाँ, नहीं मतलब मैं कर नहीं सकता। क्या नहीं कर सकते? वही जो तुमने करने को कहा था सूरज निकलने से पहले, वो। तुम्हारा मतलब है कि सूरज निकलने से पहले तुम छत पर चढ़ नहीं सकते या वहां खड़े होकर ड्रम बजा नहीं सकते? हाँ, मैं नहीं बजा सकता। देखो बिम, अपने विधि विधान का यह सबसे जरूरी हिस्सा है, और ये जिम्मेदारी मैंने तुम्हें इसलिए सौंपी है क्योंकि तुम्हें मैं अपना दाया हाथ समझता हूं। लेकिन शुक्रिया। नहीं मतलब किसी को मुझ पर भरोसा नहीं कि मैं कोई भी काम ठीक से कर सकता हूं, मगर मेरी एक प्रॉब्लम है, मुझे अंधेरे से डर लगता है और ऊंचाई से भी, और ये डर कभी निकल नहीं सकता। और ये भी भैया ने कहा होगा। हाँ, इसीलिए तो मैं पायलट नहीं बन सकता, पंछियों की तरह उड़ नहीं सकता, पहाड़ों नदियों के ऊपर से बादलों के भीतर से। मैं किसी काम का नहीं हूं, किसी चीज में अच्छा नहीं हूं मैं, किसी चीज में।
यह सब भैया ने कह दिया और तुमने मान लिया? हाँ, भैया कभी गलत नहीं होते, इसलिए जब भैया ने कह दिया कि मैं कुछ नहीं कर सकता तो मैं कैसे कर सकता हूं? कुछ नहीं कर सकता मैं, कुछ भी नहीं। दो रातों के बीच एक छोटा सा दिन बेचारा है, क्या करें? दो दिनों के बीच एक छोटी सी रात है, रात के इधर एक दिन, रात के उधर एक दिन, दिन तो है दो बस रात एक है। कर लो जो चाहो, बन लो जो चाहो, आज है तुम्हारा और कल भी तुम्हारा है। दो घाटों के बीच एक पतली सी धारा है, क्या करें? घाट नहीं चलते, धारा चलती है। पतली सी धारा जाके समंदर से मिलती है, समंदर से मिलती है, मिलकर खो जाती है। घाट घाट ही रहते हैं, वो समंदर हो जाती है। समंदर को बांधे ऐसा कोई घाट नहीं, कदमों को थामे ऐसी कोई बाट नहीं। कर लो जो चाहो, बन लो जो चाहो, तुम कर नहीं सकते ऐसा कहीं कुछ भी नहीं। इसलिए ये न कहना कभी क्या करे कैसे करे, मैं कर सकता हूँ, मैं करता हूँ, मुझे करना ही है, मैं करूँगा। हाँ, मैं कर सकता हूँ, मैं करता हूँ, मुझे करना ही है, मैं करूँगा। मैं कर सकता हूँ, मैं करता हूँ, मुझे करना ही है, मैं करूँगा। ये मैं कर सकता नहीं ऐसा कहीं कुछ भी नहीं। समंदर को बांधे ऐसा कोई घाट नहीं, कदमों को थामे ऐसी कोई बात नहीं। पतली सी धारा जाके समंदर से मिलती है, समंदर से मिलती है और मिलकर खो जाती है। घाट घाट ही रहते हैं, वो समंदर हो जाती है। समंदर को बांधे ऐसा कोई घाट नहीं, कदमों को थामे ऐसी कोई बात नहीं। मुश्किल है जीना उम्मीद के
अपने सजाए थोड़ा सा रूमानी हो जाए थोड़ा सा रूमानी हो जाए। ये झंडे पर जो चुंबक की तस्वीर लगी है ना वो बादलों पर सवार देवताओं को आकर्षित करने के लिए। एक बार देवता आकर्षित हो गए तो उन्हें टिकाए रखना जरूरी है, इसलिए इसका एक सिरा कमर से बांधकर दूसरा वहां खंबे से, फिर ये ऐसे 25 चक्कर लगाने पड़ते हैं। 25? हाँ, 25 दाएं से बाएं, 25 बाएं से दाएं। एक बार देवता आ गए तो बिना बरसाए नहीं जाएंगे, ये मेरी गारंटी। एक मिनट, मैं इसके सिवा और दूसरा कुछ नहीं कर सकता। कर सकते हो, लेकिन क्या है, घर का मालिक नाचे तो देवताओं पर ज्यादा असर पड़ सकता है, और तुम ही तो असली मालिक हो जो सच्चाई की आंखों में आंखें डालकर। ठीक है चलो हो जाओ शुरू। हाथ ऊपर, दोनों उंगली के साथ हाथों, वेरी गुड। समंदर को बांधे ऐसा कोई घाट नहीं। ये लेकर एक लंबा वहां तक निशान लगाइए। निशान? हाँ यहाँ। हाँ, वो बारिश को पता तो चले कहाँ बरसना है। कदमों को थामे ऐसी कोई बात नहीं। मैं कर सकता हूँ, मैं करता हूँ, मुझे करना ही है, मैं करूँगा, मैं करूँगा। आप अब भी मुझसे नाराज हैं? बिम, ये शोर बंद करो और नीचे आके नाश्ता करो। दोस्ती ना सही, घर आए मेहमान से कम बात तो की जा सकती है। मुझे धोखेबाजों से बात करने का कोई शौक नहीं, जिनकी पूरी जिंदगी एक झूठ हो ऐसे लोगों से। आपको कैसे पता चला कि मेरी जिंदगी एक झूठ है? हो सकता है मैं सचमुच बारिश ला सकूं? हो सकता है कि मैं जब पैदा हुआ तो भगवान ने मेरे कान में बोल दिया हो, तेरे पास धन दौलत नहीं होगी, अपना घर बार नहीं होगा, जहां शाम को लौटकर तू अपनी थकान मिटा सकेगा, तेरे अपने दोस्त नहीं होंगे जिनके साथ दुख दर्द बांट सकेगा, लेकिन जहां भी तू जाएगा वहां बारिश होगी। हो सकता है ऐसा आशीर्वाद मुझे मिला हो, कुदरत की ऐसी ताकत मिली हो। ऐसी कोई ताकत नहीं होती। इससे भी बड़ी ताकत देखी है मैंने। मेरा एक भाई था, वो अंधों की तरफ देखकर सिर्फ मुस्कुराता था तो उनकी आंखों में जान आ जाती थी। मेरा दूसरा भाई था, इतनी सुरीली बांसुरी बजाता था कि अपाहिजों को लगता था कि उठकर नाचे, और मैं सोचता रहता था क्यों मैं उन जैसा नहीं हूं, क्यों मुझ में कोई खूबी नहीं, क्यों मैं एकदम मामूली हूं। और एक दिन हमारे इलाके में सूखा पड़ा, उस वक्त मेरे भाई की मुस्कान कुछ न कर सकी, ना ही दूसरे भाई की बांसुरी, और मैं एक पहाड़ पर गया और मैंने कहा बारिश दो ना, हमें बारिश चाहिए, बारिश दो हरामजादों, देखते रहे हमारी तकलीफ, हमें बारिश दो नहीं तो मैं तुम्हारी ऐसी की तैसी कर दूंगा। और अचानक बादल घिराए, अचानक ये ऐसी बड़ी बड़ी बूंदे आसमान से गिरने लगी, चारों तरफ मूसलाधार बारिश होने लगी। तब मुझे पता चला मैं कोई मामूली आदमी नहीं हूं, मेरे अंदर भी कोई खूबी है, ताकत है जो मैं
ठीक है, तो यह है मेरी कहानी। बकवास। आप बिल्कुल अपने बड़े भाई जैसी है, किसी भी अच्छी बात पर विश्वास नहीं करते। ये सच नहीं है। आप विश्वास नहीं करती क्योंकि आप डरती हैं, विश्वास करने से डरती हैं। कल रात जिसके लिए अच्छे कपड़े पहने वो नहीं आया तो आपको लगता है कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं, आपका विश्वास ही उड़ गया जिंदगी से। आपको मालूम है विश्वास क्या होता है? विश्वास का मतलब होता है जब आंख कहती है कि काला है लेकिन दिल कहता है नहीं सफेद, तो दिल की जुबान सुनना, दिल की आंखों से देखना, इसका मतलब होता है विश्वास। हाँ, और मुझे विश्वास है कि तुम पाखंडी हो। कितने अफसोस की बात है, तुम किसी भी चीज पर विश्वास नहीं करती, अपने आप पर भी विश्वास नहीं करती, इस पर भी विश्वास नहीं करती कि तुम एक औरत हो। अगर तुम ही विश्वास नहीं करती तो तुम औरत नहीं हो भी नहीं। पापा, प्यारे पापा, सच्चे पापा, अच्छे पापा, तुमको यकीन है, मुझको यकीन है, नहीं मुझ में ऐसी कोई कमी है, फिर क्यों है लगता कुछ खाली खाली, फिर क्यों है कुछ लम्हे अब भी सवाली। जिंदगी के पर्चे तो अच्छे गए हैं पर ये सवाल अब तो बिल्कुल नहीं है, कहां से मैं लाऊं जवाब इनके पापा, मिलती कहां है किताब ऐसी पापा। पापा तुमने मुझको इंसान बनाया मगर न तुमने ये जहां बनाया, कहते हैं सब मुझ में कुछ तो कमी है, इंसान तो है बिनी औरत नहीं है। पापा पापा अब तुम ही बता दो, औरत बनू कैसे ये तो दिखा दो। औरत तो औरत न बनना जरूरी, न सबक जरूरी है न सबब जरूरी, तू औरत है, तुझमें न कोई कमी है, मुझको यकीन है, पूरा यकीन है। आपकी नजर में मैं औरत हूँ लेकिन औरों की नजर में, उम्मीदों की औरत तो उनकी जुदा है, नजर में है उनकी वो औरत जुदा है। दुल्हन वही जो पिया मन भाए, शर्माए बलखाए और लहराए, अदाओं से अपनी जो सबको लुभाए, इशारों पे अपनी जो उनको नचाए, एक बांकी चितवन कातिल मुस्कान बिजली गिराए, तो हुए लाख कुर्बान। पापा ओ पापा अब तुम ही बता दो, औरत बनो कैसे ये तो सिखा दो। ये बिजली गिराना लुभाना वगैरह वगैरह सिखाने वाली किताब तो चाहे तो पढ़ सकती है लेकिन मुझे नहीं लगता तुझे इसकी जरूरत है। ये तो आप सोचते हैं पापा और कोई नहीं। कभी कभी लगता है आदमी दुनियादारी की राह छोड़कर थोड़ा सा आवारा बन जाए तो। और कभी कभी यह भी लगता है कि आप शायद जिंदगी भर मेरा साथ निभाना चाहते हैं पर आवारा कदम आखिर आवारा ही होते हैं। फिर भी एक आध दिन आप यहां रह सकते हैं लेकिन जुड़ जाना मुझे नामंजूर है, याद है ना?
हम अंदर बैठते हैं, अंदर गर्मी कम होगी। हाँ गर्मी कम होगी अंदर। आइए। मिश्रा आज यहाँ आने। विनी दीदी मैंने सोचा कि ये सब ओ हेलो मैम, मैं तुमसे माफी मांगने आया हूँ। चोट कुछ ज्यादा ही गहरी लगती है। लेकिन अब दर्द नहीं होता, मैं तो भूल ही गया था कि। और माफ भी कर दिया। या आखिर जेडी साहब आ ही गए हैं। तो जेडी साहब आ ही गए, जेडी साहब आ ही गए, जेडी साहब आ ही गए, जेडी साहब आ ही गए। मुझे पता नहीं था कि बिम ड्रम बजाता है। कल रात तक तो उसे खुद नहीं पता था कि वो ड्रम बजा सकता है। हाँ कभी कभी एक रात में पूरी जिंदगी बदल जाती है। मुझे अफसोस है बिम कुमारा, लेकिन सिर्फ ये बताने मैं यहां नहीं आया, मुझे और भी कुछ कहना था। मैं मुझे आपसे जी मैं विधुर नहीं हूं, मैंने तलाक लिया था। मुझे पता है, पहले से पता था। मैं जानता था कि तुम्हें पता है, फिर भी खुद अपने मुंह से बताना चाहता था। और अब तो मैं पूरे शहर को भी बता दूंगा ताकि लोग मुझे चैन से रहने दें, शायद मुझे अकेला छोड़ दें। मैं नहीं चाहता कि कोई मेरी जिंदगी में दखल दे, और इस शहर को तो दूसरों के मामलों में टांग अड़ाए बिना सांस लेना मुश्किल हो जाता है। मैं अकेले में खुश हूं, मेरे पास मेरा बहुत काम है, मुझे किसी की जरूरत नहीं है, मैं अकेले में खुश हूं। नहीं ये सच नहीं, अकेले में कोई खुश नहीं होता। अकेलापन तो सिर्फ खलता है, डसता है सभी को। कोई तो हो जिसे कोई पर्दा ना हो, जिसे खुलकर सब कुछ कहा जा सके। कोई तो हो जो तुम्हें, तुम जैसे भी हो जो भी हो उसी सूरत में तुम्हें। इन हरामजादों को पैसे लेने में एक दिन की देर भी गवारा नहीं। हेलो मैं भी पता नहीं पैसे ले जाना कैसे भूल गया। कुछ नहीं चलने दीजिए। काफी देर हो गई है, आपको भी खाना वाना मुझे अफसोस है उस दिन मैं खाने पर। नहीं नहीं ऐसा कोई खास काम नहीं है। और फिर आप कुछ कह रहे थे। मैं अपने काम के बारे में। नहीं नहीं तलाक के बारे में शायद। हाँ तलाक के बारे में। ओ नो तलाक उसे चाहिए था, मुझे नहीं। मैं तो उसे प्यार करता था। बहुत खूबसूरत रही होंगी। हाँ बेहद मैं जानती थी।
इतने लंबे घने रेशमी बाल थे उसके, लेकिन उसे मेरा काम पसंद नहीं था। ये ट्रांसफर्स, टूर्स, आज यहां कल वहां, और एक दिन वो मुझे छोड़कर चली गई एक प्राइमरी टीचर के साथ, जिसकी न कोई एम्बिशन थी, न कोई स्टेटस था, न तरक्की की कोई संभावना। ऐसे एक प्राइमरी स्कूल टीचर के लिए वो मुझे हो सकता है उस प्राइमरी स्कूल टीचर को उसकी जरूरत थी और आपको नहीं। मुझे भी उसकी जरूरत थी, लेकिन उसे ये कभी, आपने कभी कहा उससे? अजीब सी बात है, जाने से पहले वो रुकी और बोली, जय सिर्फ एक बार कहो, मत जाओ, मत जाओ। और आपने नहीं कहा? नहीं, वो फैसला कर चुकी थी और उसी का फैसला था वो। मैं कौन होता था मत जाओ कहने वाला? लेकिन अभी आपने कहा कि आप उसे प्यार करते थे, आपको उसकी जरूरत थी। तब भी मैंने नहीं रोका उसे, सिर्फ दो शब्द, मत जाओ, आप नहीं कह सके। जिंदगी भर अकेले रहने का बोझ उठाना मंजूर था, सिर्फ दो शब्द कहना मंजूर नहीं था। इतना अहंकार, ऐसा झूठा अभिमान किस लिए? आई फील सॉरी फॉर यू। शायद आपको अपनी हमदर्दी मुझ पर इस तरह जाया नहीं करनी चाहिए थी, फिर भी इस उपदेश के लिए धन्यवाद। गुड बाय मिस राय। बिन्नी, बिन्नी कहो मुझे। मिस राय कितना फॉर्मल लगता है। हाय, मैं भी कैसी बेवकूफ हूँ, कुछ पीने के लिए पूछना ही भूल गई। शुक्रिया, कुछ नहीं चाहिए मुझे। हाय, अगर आपने कुछ नहीं लिया तो मेरा दिल टूट जाएगा जय। फल लेंगे आप? नहीं, मेरे लिए तोहफा लाए हैं और तुमने मुझे बताया नहीं। तुम बड़े वो हो जय। बंद करो ये सब। हाय, एंटीक है ना? हाउ क्यूट। कितना सुंदर है जय, बिल्कुल तुम्हारी मुस्कुराहट की तरह। मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा कैसे करूं जय? फॉर गॉड्स सेक, मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करूंगा अगर ये सब तुम स्टॉप बिहेविंग इन सच अ डिस्गस्टिंग मैनर। लेकिन मुझे लगा कि तुम्हें यही तो, ये सब हरकतें करने की तुम्हें क्या जरूरत है? जैसी हो वैसे क्यों नहीं रह सकती तुम?
मैं कुछ भी ठीक से नहीं कर पाई पापा, ठीक से बातचीत भी नहीं कर सकी मैं। इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं बेटे, मेरे ख्याल से जेडी भी ठीक से बात नहीं कर पाए होंगे। नहीं पापा, इसमें जेडी की कोई गलती नहीं थी। ये ना बिन्नी का कसूर है ना जेडी का, पता ही है किसका कसूर है? किसका? आपका। आप ही तो जिम्मेदार हैं बिन्नी की इस हालत के लिए, आप हमेशा उससे झूठ बोलते रहे हैं। मैंने उससे कभी झूठ नहीं बोला। नहीं, जब वो नन्ही सी बच्ची थी, मोटे मोटे चश्मे पहनती थी, टेढ़े मेढ़े दांत थे उसके, तब भी आप उसे राजकुमारी कहा करते थे, खूबसूरत कहा करते थे, जबकि आप अच्छी तरह जानते हैं कि बिन्नी एक सीधी साधी मामूली सी लड़की है। प्लीज, ये सब कहने की जरूरत है बिन्नी, ये सब कहने की जरूरत है। इस घर में मैं ही हूं जिसे तेरी फिक्र है, तू अपने कमरे में जा। हां बिन्नी, मैं नहीं चाहता कि झूठे सपनों से चिपके चिपके तू अपनी जिंदगी बर्बाद कर ले। देख शीशे में देख, जब तक तू उसे मंजूर नहीं कर लेती तू कभी नहीं। खुश नहीं हो सकती बिन्नी। देख देख और मान ले कि तू सुंदर नहीं है, तू एक सीधी सादी मामूली सी लड़की है। हट जा बिन, क्या कर रहे हैं आप? ओ शट अप बिन, छोड़िए आप। नहीं नहीं बिन, बेवकूफ, दोबारा मुझ पर हाथ उठाने से पहले 10 बार सोच लेना। अगली बार ये तुम पर हाथ उठाएगा ना तो इसे बॉक्सिंग आती होगी, ये मेरा वादा रहा। तुम बीच में मत बोलो। जरूर बोलूंगा, और जब तक मैं यहां हूं तुम भीम को बेवकूफ नहीं बोलोगे। जो घबराहट के बावजूद छत पर खड़ा होकर ड्रम बजाता है वो भी सिर्फ इसलिए कि बारिश हो, वो भीम बेवकूफ नहीं है, वो जानता है सपने क्या होते हैं, ये बात तुम नहीं समझोगे। और जब तक मैं यहां हूं तुम इसे सीधी साधी या मामूली कहने की हिम्मत नहीं करोगे। वो मामूली नहीं है, तुम्हें खूबसूरती का मतलब नहीं मालूम। बिनी को खूबसूरत तभी कहा जा सकता है जब बिम को होशियार कहा जाए। बिम, बिम, सच झूठ गलत असलियत क्या जानते हो तुम इसके बारे में? क्या पता है तुम्हें सपनों के बारे में? इसका हिसाब तुम्हारे अकाउंट्स की किताब में या बिल बुक में नहीं मिलेगा। देखो फिर भी तुम बोलते रहते हो, सच्चाई का नाम लेकर भीम को जलील करते रहते हो, असलियत का दावा करके बिनी को चोट पहुंचाते रहते हो। शट अप, और आइंदा हमारी घर की बातों में दखल मत देना। भीम, बिन्नी तुम्हारे लिए कोई राजकुमार नहीं आएगा, कोई नहीं आएगा सफेद घोड़े पर सवार होकर और तुम्हें अपनी बाहों में उठाकर ले जाएगा इंद्रधनुष के पार, कोई नहीं। और तुम धीरे धीरे बूढ़ी हो जाओगी, लेकिन तुम फिक्र मत करो, हम लोग जो है तुम्हारे लिए, ये ख्याल छोड़ दो कि हमारे सिवा और कोई होगा। ये सच्चाई स्वीकार कर लो एक बार, फिर कोई तकलीफ नहीं होगी, जिंदगी आसानी से कट जाएगी।
मुझे लगा कहीं मैं चादर और तकिया देने आई थी। वो तो बिम पहले ही ला चुका था, क्या यही वजह थी इतनी रात गए यहां आने की? नहीं, मैं शुक्रिया अदा करने आई थी। किस बात का? भैया से जो कुछ कहा उसके लिए। मैंने जो भी कुछ कहा पूरे यकीन के साथ कहा। हाँ, बिम के बारे में। सिर्फ बिम के बारे में? और तुम्हारे बारे में जो कहा वो? नहीं, वो नहीं। ठहरो, क्यों मेरी बात पर विश्वास नहीं करती? क्योंकि मुझे तुम पर भरोसा नहीं है। मेरी किस बात पर भरोसा नहीं? तुम्हारी किसी भी बात पर। तुम जिस तरह से बातें करते हो, शेखियां बगाड़ते हो, सब झूठा लगता है। यहां तक कि तुम्हारा नाम भी असली नहीं लगता। अरे, अब असली है नहीं तो असली लगेगा कैसे? अब मुझ जैसे आदमी को जो इंद्रधनुष की सवारी करता है, बारिश जिसके इशारों पर नाचती है, उसके लिए तो ऐसा नाम चाहिए जिसके लिए आसमान छोटा पड़ जाए। इसलिए मैंने खुद अपना नाम रख लिया है, दृष्टद्युम्न पद्मना प्रजापति नीलकंठ धूमकेतु बारिश कर। वैसे तुम्हें भी सिर्फ बिन्नी होने की क्या जरूरत है? ये मेरा नाम है और यही मैं हूँ, बिन्नी। नहीं, मेरा मतलब ये है कि तुम्हें सिर्फ सोचना है कि तुम कुछ और हो और तुम हो जाओगी। ये दुनिया खूबसूरत नामों वाली खूबसूरत औरतों से भरी पड़ी है। कामा यानी लोपमुद्रा मदालसा, संगमित्रा कनुप्रिया तिश्यरक्षिता, प्रियंगु मंजरी यशस्विनी और बिन्नी। गुड नाइट। मैंने तुम्हारे लिए बहुत खूबसूरत नाम सोच लिया है, जहानूर जहाँआरा महेगुल महेपारा शहजादी सलूबा। मुझे पसंद नहीं। क्योंकि तुम्हें उसकी दास्ता पता नहीं। पहले उसकी दास्ता तो सुन लो। जब जैतून के जंगल में कमसीन खुशबुए झिझकते झिझकते बाहर निकलती है, तो साहिल के किनारे रात के तारे टूटता बिखरता मध्यम मुलायम चांद दिखता ये रात, जहानूर जहाँआरा महेगुल महेपारा शहजादी सलूबा। झूठ, झूठ। ये झूठ नहीं है, ये तो है अफसाना या शायद सपना। एक ही बात है। अगर तुम्हें झूठ और सपने दोनों एक ही लगते हैं तो मैंने नाम दिया है ना, अभी वो अभी वापस लेता हूं। एक ही बात है, तुम सिर्फ बिन्नी होने के लायक हो। एक बेरंग रूखी सूखी जिंदगी जीने वाली बिन्नी जिसमें सपने देखने का साहस ही नहीं है। साहस ही नहीं। साहस की बात तुम मत करो। सच्चाई का सामना करने के लिए और भी साहस की जरूरत होती है। और ये कोई जरूरी नहीं है कि सबके सपने इतने लंबे चौड़े हों तुम्हारे नाम की तरह।
कोई छोटे छोटे सपने भी तो देख सकता है, जैसे कि मेरे। मेरे सपने बड़े रुमानी ना हो लेकिन सच्चे हैं, असली हैं, मेरे नाम की तरह, मेरी तरह। मेरी दुआ है कि तुम्हारे सपने सच हो जाए। नहीं, ऐसा नहीं होगा। तुम अपने आप पर भरोसा करोगी तो हो सकता है। मेरे पास भरोसा करने के लिए कुछ नहीं है। तुम एक औरत हो, कम से कम इस पर तो भरोसा कर सकती हो। अच्छा ये बताओ, तुम खूबसूरत हो? नहीं। मैं जानती हूं कि मैं एक बिल्कुल मामूली साधारण सीधी सादी औरत हूं। साधारण मामूली सीधी सादी औरत? हाँ। कोई औरत ऐसी होती ही नहीं। हर औरत खूबसूरत होती है, अपने ढंग से होती है, लेकिन हर औरत सिर्फ खूबसूरत होती है। नहीं, मैं नहीं। जब भी देखा है आईने में। नहीं भी नहीं, आईना दीवार पर या हाथ में नहीं होता, यहाँ अंदर होता है, तुम्हारे भीतर। खुद अपना आईना बनो और देखो, निडर होकर देखो, फिर एक खूबसूरत औरत तुम्हें दिखेगी, निहायत खूबसूरत भी नहीं। और फिर तुम्हें वो मिलेगा, वो जिसकी आंखें तुम्हारे लिए आईना बन जाएगी और तुम्हें कहेगी तुम कितनी सुंदर हो बिन्नी। नहीं, हो सकता है, अगर तुम चाहो तो हो सकता है। नहीं, नहीं। हाँ बिन्नी, तुम चाहो तो हो सकता है बिन्नी, सिर्फ अपने आप पर भरोसा करना है। नहीं। अब बोलो। नहीं। बोलो मैं सुंदर हूं। मैं बोलो ना। मैं बोलो बिन्नी। मैं बोलो मैं सुंदर हूं। मैं सुंदर हूं। मैं सुंदर हूं। फिर एक बार बोलो। मैं सुंदर हूं। बोलो भी नहीं। मैं सुंदर हूं। यकीन से बोलो, बार बार बोलो। मैं सुंदर हूं। बोलो भी नहीं। मैं सुंदर हूं। मैं सुंदर हूं। मैं जान गई, पहचान गई। मैं सुंदर हूँ। जी करता है आज मैं जी जाऊँ, जी करता है आज मैं मर जाऊं, जी करता है आज रो लूं, जी भर जी करता है आज रो लूं, जी भर जी करता है हंस हंस बिखर जाऊं। मैं सुंदर हूं, बदरी ने
साथ कहीं भागी चली जाऊं, चलूं नहीं नाचूं, बोलूं नहीं गाऊं, चलूं नहीं नाचूं, बोलूं नहीं गाऊं, गाओ खिलखिलाओ लड़खड़ाओ गिर जाऊं मैं। तारों ने कहा, फूलों ने सुना, बदरी ने कहा, चंदा ने सुना, मैं सुंदर हूं। एक बार मेरी आंखों में देखो, देखो और बताओ क्या दिख रहा है तुम्हें। जो मैं देख रही हूं यकीन नहीं होता, इतनी सुंदर, इतनी खूबसूरत। ये मैं हूं, सच में मैं हूं ये? हाँ, इतनी सुंदर हो तुम के इस लम्हे में दुनिया की सबसे खूबसूरत औरत हो। इस वक्त जहां नूर जहां रा मह गुल मह भारा शहजादी सालोबा। आसमान के नीचे लेटे हुए तुमसे बात करते हुए लगता है जैसे वक्त रुक गया हो, लेकिन वक्त थोड़ी रुकता है, मुझे तो जाना ही होगा। एक जगह से दूसरी जगह, एक शहर से दूसरे शहर भागते हुए। भागते हुए नहीं, सफर करते हुए। किसी एक जगह ठहर जाऊं तो बादल ही घर बसाने लगे तो बाकी धरती पैसी रह जाएगी ना। बादल आवारा ही अच्छे लगते हैं, है ना? हाँ, शायद ठीक ही कहते हो। और मेरा काम है बारिश लाना। एक बार बारिश हो गई, मेरा काम खत्म हो जाता है। फिर वहां के लोगों को भी मेरी जरूरत नहीं होती। फिर भला कोई क्यों कहे, ठीक है कि तुम्हारा काम तो खत्म हुआ, लेकिन कुछ दिन और रुक जा, क्यों कहे? इसलिए मुझे जाना होता है। और जब वहां से निकलता हूं तो इस रफ्तार से निकलता हूं कि दिन रात सुबह शाम चलना चलना और चलना, फिर अपने आप से भी पूछने की फुर्सत नहीं मिलती क्या ये सही है या गलत। लेकिन अगर कभी थोड़ी देर के लिए ही सही फुर्सत मिल गई तो? बोलो ना। मैं जानना चाहती हूं, एक आवारा बादल क्या पूछेगा अपने आप से? मैं पूछूंगा, कहां जा रहे हो पगले, क्या चाहिए तुम्हें? कहां जा रहे हो पगले,
क्या चाहिए तुम्हें? और उनका ये कहना है कि ये जो शख्स हमारे, क्या नाम बताया? नटवरलाल। हाँ, इस नाम से ही धोखेबाज लगता है आदमी। तो ये नटवरलाल साहब हमारे इलाके में आए हैं और दिल्ली का ये कहना है कि हमारी पुलिस उसे पकड़ ले। वैसे करता क्या है ये शख्स? डाके वाके डालता है या मर्डर करता है? मैं बड़े बड़े चमत्कार करना चाहता हूँ। मैं बारिश लाना चाहता हूँ, ज्वालामुखी को ठंडा करना चाहता हूँ, आंधी तूफान को रोकना चाहता हूँ, या किसी आदमी को ऐसी शक्ति देना चाहता हूँ जो खड़े खड़े गायब हो जाए उससे, या ऐसी शक्ति जिससे वो दूसरों के दिलों में झांक सके। हाँ। तुम्हारे सपने बहुत बड़े हैं पारेश्कर। बहुत बड़े। बिल्ली, मैं पारेश्कर नहीं हूं। मैं बारिश नहीं ला सकता। मैं लाना चाहता हूँ, मैं बारिश कर बनना चाहता हूँ, लेकिन मैं हूँ नहीं। मैंने आज तक कहीं भी बारिश नहीं करवाई। मैं जानती हूँ। न मेरे लोशन लगाकर कोई गायब हुआ, या मेरे चमत्कारी चश्मे पहनकर न कोई किसी के दिल में झांक सका, न उनके मन को पढ़ सका। लेकिन बिना किसी चश्मे के तुमने भीम का मन पढ़ लिया और तुम्हारा यहां का काम खत्म हो गया है शायद। लेकिन तुम कुछ दिन और क्यों नहीं जाते? मैं रुक तो सकता हूं, लेकिन बस एक दो दिन, फिर मुझे जाना होगा। उतना भी काफी है। एक दो दिन में बहुत कुछ हो सकता है। शायद तुम्हारा सपना भी सच हो जाए। बिन्नी, तुम्हें पता है सपने तभी खूबसूरत लगते हैं जब यहां होते हैं। जब हाथ में आ जाते हैं, सच हो जाते हैं, तो उसकी कोई माने नहीं होते। हाँ हाजी, जैसे ही कोई खतरनाक अजनबी दिखाई देगा हम तुरंत आपको खबर कर देंगे जी। एनीवे, थैंक्स फॉर द वार्निंग। उसी के बारे में फोन था ना, वो धूमकेतु। मैं तो उसे पहली नजर में ताड़ गया था कि वो खतरनाक आदमी है। अगर धूमकेतु खतरनाक है तो, और फिर इतने सारे नाम है उसके, पर नटवरलाल तो नहीं सुना मैंने। ओ पापा, अगर वो इतना होशियार है कि बारिश ला सकता है तो इतना होशियार नहीं कि अपना नाम बदल सके। मैं जरा इत्मीनान करके आता हूँ कि घर से कुछ और तो चोरी नहीं हुआ। 5,000 तो पहले ही गए हैं। पापा, पापा, वही हुआ जिसका डर था। बिम और बिनी दोनों गायब है। लगता है वो हरामजादा दोनों को भगा कर ले गया है। गुड मॉर्निंग पापा। हाय भैया। हाय। हाय, वो तुझे भगा कर नहीं ले गया? फिर वो जरूर बिनी को भगा कर ले गया है। फिर तो वो चिट्ठी भी छोड़ गया होगा। शाम को पुराने खंडर के पास ठीक 7 बजे मिलो। चिट्ठी छोड़ी तो नहीं है, लेकिन ऐसी चिट्ठी आती ही होगी तुम्हारे धूमकेतु साहब से। धूमकेतु? क्यों? क्योंकि धूमकेतु ही बिनी को भगा कर ले गया है। बेवकूफ। मुझे बेवकूफ मत बोलना भैया। जो ये समझता है कि कोई शख्स बिनी दीदी को भगा सकता है वो मुझसे ज्यादा बेवकूफ है। एक मिनट, तुम क्या रात भर बाहर थे धूमकेतु के साथ? नहीं पापा। हाँ, जब मैं खुदकुशी करने जा रहा था तब धूमकेतु साहब। क्या, क्या क्या? तुम खुदकुशी करने जा रहे थे? हाँ। खुदकुशी करने जा रहा था तू? हाँ, लेकिन जैसे ही मुझे लिली का हंसता हुआ चेहरा याद आया तो मैंने कहा, बिम अगर तूने अभी खुदकुशी कर ली तो फिर कभी वो हंसता हुआ चेहरा नहीं देख पाएगा। बस फिर मैं रात भर उसकी खिड़की के नीचे बैठा रहा, अंधेरे में, अकेले। रात भर? और तुझे जरा भी डर नहीं लगा? फिर सुबह हो गई, दूध वाला आया, लिली ने खिड़की खोली तो देखा कि नीचे मैं खड़ा था। उसने कहा, बिम तुम रात भर यहां थे? मैंने कहा, हाँ लिली, ताकि जब तुम खिड़की खोलो तो मैं तुम्हें हंसता हुआ देख सकूं।
तो उसने कहा, ओह पिम। फिर वो जोर से हंसी, खिलखिला कर हंसी, हंसती ही रही। लेकिन जब मैंने उसे गौर से देखा तो उसकी आंखों में आंसू थे। मैंने कहा, नहीं लिली, रो मत, रो मत लिली, क्योंकि तुम्हारे आंसू पोंछने के लिए मेरे पास रुमाल नहीं है। उसने कहा, फिक्र मत करो पिम, तुम मेरा रुमाल ले लो, मैं ये रुमाल उसी को देना चाहती थी जो मुझे सबसे ज्यादा प्यार करता हो, और तुम ही तो हो जो मुझे मुझे सबसे ज्यादा प्यारे हो। वाह। तो मेरे प्यारे भाई साहब, देखा आपने, ये बात थी। हाँ वो तो देख रहा हूं मैं, उसने तुझे पूरा गधा बना दिया है। अगर एक बार फिर ऐसा कहा ना तो हड्डियां तोड़ दूंगा मैं तुम्हारी। अच्छा अभी बताता हूँ, बहुत बोलने लगा। अरे, 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 जेडी, इस वक्त गुड मॉर्निंग जेडी। पिन्नी कहाँ है? है मैं घर से निकल रहा था, मतलब यहाँ आने के लिए नहीं, मुझे चीफ सेक्रेटरी से मिलना था। हाँ सुखे के बारे में। अच्छा तो मैं क्या कह रहा था कि आप घर से निकल रहे थे और आपको चीफ सेक्रेटरी के यहाँ जाना था। नहीं मतलब डीएसपी का मुझे फोन आया कि एक खतरनाक मुजरिम अपने इलाके में देखा गया है, तो मैंने सोचा कि आप लोगों को जरा खबरदार कर दूं, इसलिए मैंने। बिन्नी अभी तक सो रही है? बहुत गहरी नींद में है, लगता है कोई सपना देख रही है, और वो भी सच होने वाला। सुबह तक देख रही है तो सच होगा ही, क्यों? वैसे आपको हिफाजत के लिए पुलिस वगैरह की जरूरत हो तो? अरे नहीं, हम अपनी हिफाजत अच्छी तरह कर लेंगे। हाँ आखिर हम यहाँ तीन तीन मर्द हैं, क्यों भैया? तो अच्छा मैं चलता हूँ। अच्छा, हाँ जी बिम। हाँ जी, आपको झूठ नहीं बोलना चाहिए था पापा, आप अच्छी तरह जानते हैं कि बिन्नी घर में नहीं है। बिम! तू क्या सारी रात बाहर थी? हाँ, आज मैं बहुत खुश हूँ और तुम्हें एक बहुत अच्छी खबर सुनाना चाहती हूँ। उससे पहले मैं तुम्हें खबर सुनाना चाहता हूँ, अपने मिस्टर धूम के तू बारिश कर बारिश नहीं कर सकते। मुझे मालूम है वो एक खतरनाक आदमी है। ये सच नहीं है, पुलिस उसे ढूंढ रही है। नहीं, बिन्नी। गुड मॉर्निंग जेडी। बिन्नी तुम आज तुम कुछ अलग से लग रही हो। वो इसलिए कि हम सुबह, मेरा मतलब है कि सुबह सुबह हम ऐसे कभी नहीं मिले हैं, है ना? और सुबह इस तरह नहीं मिले हैं। और आज तो मैं बहुत ही लेट उठी हूँ। और बहुत काम है इस वक्त। एक्सक्यूज मी। और भैया आपके लिए कॉफी बना देंगे। मैं? भैया कॉफी बना देंगे ना आप? आप कॉफी पीजिए, मैं अभी आई। आप कॉफी पीजिए, मैं अभी आया। वो अपने कमरे में तो नहीं थी, फिर अब कहाँ से आई और इतनी हड़बड़ी में कहाँ चली गई? वो शायद जेडी, तुम्हें लगता है कि तुम्हें ये सब जानने का हक है? शायद नहीं, फिर भी मैं जानता हूँ वो कहाँ गई होगी, और ये भी कि वो खतरे में है। खतरे में? कुछ भी वक्त देता है। एक्सक्यूज मी। बिन्नी, बिन्नी मैंने तय कर लिया है, मैं यहीं रह जाऊंगा। हो सकता है मेरा जादू तुम्हारे किचन में या तुम्हारे भाई के फार्म पे काम आ जाए। नहीं,
तुम यहां से चले जाओ अभी इसी वक्त। लेकिन तुम खुद ही तो मुझे रोक रही थी ना? तब मुझे पता नहीं था पुलिस तुम्हें खोज रही है। किसी भी वक्त आ सकते हैं सब लोग। तुम यहां से चले जाओ प्लीज। बिल्कुल, मैं एक जगह कैसे रुक सकता हूं? इस जगह से उस जगह, इस शहर से उस शहर, सारी दुनिया मेरी है, सारी दुनिया की परेशानियां मेरी हैं, यही मेरा मुकद्दर है। तुम चलोगी मेरे साथ? मैं? तुम मेरे साथ होगी, तुम्हारा सहारा होगा तो ये नैया यहां वहां नहीं भटकेगी। चल लेकर अपने नाम चले, चंदन चांदनी के गांव चले, इंद्रधनुष की बहती धारा, उसके पार तीसरा किनारा। इस सफर में और कोई नहीं, ये सफर है बस मेरा तुम्हारा। चल, अब किस दस्तक का है इंतजार, जब तुम्हें पुकारता हो प्यार और सामने हो सपनों का संसार। जहां नूर जहां आरा, महे गुल महे पारा, शहजादी सलूबा। चल लेकर सपनों की नाव चले चंदन चांद। मैं नहीं चल सकती तुम्हारे साथ, सलूबा नहीं हूं मैं। सलूबा एक सपना है, तुम्हारा सपना। और सपने तभी तो अच्छे लगते हैं जब यहां होते हैं। मैं सपना बनकर नहीं जीना चाहती। और जिस दिन तुम्हें यह एहसास होगा कि मैं तो पिन्नी हूं, एक हकीकत हूं, ख्वाब नहीं, तो तुम टूट जाओगे। इसलिए जाओ, जाओ मेरे पगले, आजाद रहो। विनी, मत जाओ विनी, मत जाओ। वेल मिस राय, आपसे मिलकर बड़ी खुशी हुई। चलता हूं, सॉरी मैं रुक नहीं सकता। सॉरी मैं रुक नहीं सकता, मेरा फर्ज मुझे आवाज दे रहा है, कहीं और। उसे जाने दो जय, उसने किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा। कुछ नहीं बिगाड़ा? मेरे 5,000 रुपए हड़प लिए धोखा देकर? और धोखा देकर? अरे वो तो सौदा था मेरे भाई, तुमने एडवांस दिया था मेरे काम के लिए। लो गिन लो पूरे। अरे लेकिन ये मत भूलना, अभी 48 घंटे पूरे नहीं हुए। मैं अभी भी बारिश ला सकता था अगर मुझे पूरा मौका मिला होता। खैर, अलविदा। बारिश कर, फिर मिलेंगे। बादलों का नाम न हो, अंबर के गांव में जलता हो जंगल, खुद अपनी छांव में। यही तो है मौसम, यही तो है मौसम। आओ तुम और हम बारिश के नगमे गुनगुनाए। बारिश है,
बारिश, बारिश, अगली बार पड़े सूखा तो न घबराना, बिल्कुल न घबराना, बस एक फोन घुमाना और मुझे बुलाना, या कोई मुश्किल हो, मुश्किल कोई भी, कैसी भी, कहीं भी, कभी, तो हिम्मत ना हारना, बस मुझे पुकारना या यूं सीटी मारना, मैं आऊंगा, मैं आऊंगा, क्योंकि आज तुम्हें मैं एक राज की बात बताता हूं। मैं और कहीं नहीं, मैं तो यहीं रहता हूं, दिलों में रहता हूं, दिलों में रहता हूं, उम्मीदों में बसता हूं, और जब कोई सपना मुरझाता है, उम्मीद सूखती है, अरमान झुलस जाता है, तो मैं आता हूं और बरस जाता हूं। मुश्किल है जीना, मुश्किल है जीना उम्मीद के बिना, थोड़े से सपने सजाए, थोड़ा सा रूमानी हो जाए, थोड़ा सा रूमानी हो जाए, मुश्किल है जीना उम्मीद के बिना, थोड़े से सपने सजाए, थोड़ा सा रूमानी हो जाए, थोड़ा सा।